हेलो एवरीवन, दिस इज कनिशियन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम 8.8 को। इसमें कहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब आपको यहाँ पे गिवन क्या है, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी डी। अब आपने देखा यहां ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। उन्होंने कहा कि पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। अब अपोजिट साइड्स का पेयर का मतलब बहुत पेयर नहीं, सिंगल पेयर की अगर हम बात करें, अपोजिट साइड मींस ए बी एंड डी सी। हम इसको लेकर चलते हैं ए बी और डी सी, क्योंकि ये पेयर है किसका, अपोजिट साइड्स का। तो ए बी और डी सी क्या है, इक्वल भी हैं और आपके पैरेलल भी है, ये आपको गिवन है इसमें। तो हमें और उसमें हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये गिवन है तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल ही है और इसमें अपोजिट साइड का पेयर मतलब ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए बी पैरेलल डी सी, सी डी जो भी है, ये आपको इसमें जो है दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है टू प्रूव, प्रूव आपको क्या करना है, इसमें प्रूव करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ देखिए, अब इसको प्रूफ करने से पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो है कंस्ट्रक्शन इसमें ये है कि ये कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट द डायगोनल ए सी। ये जो ए सी डायगोनल, इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं हम इसमें। तो यहां पर एक आप कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ड्रॉ द डायगोनल ए सी प्रूफ। देखिए, अब हमें ए बी सी डी को डायगोनल प्रूफ क्वाड्रिलेट, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है ए बी सी डी को। तो पैरेललोग्राम होने के लिए क्या होता है, जो बहुत साइड होती है, बहुत पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होगी। अब यहाँ पे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है, वन पेयर की बात हो रही है, वो पैरेलल और इक्वल है। तो हमें जो अदर पेयर है उसका, उसको भी हमें पैरेलल और इक्वल करना होगा। मींस आपका ए बी इक्वल्स टू डी सी और एंड ए बी पैरेलल डी सी, ये गिवन है। और हमें करना होगा ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी, ये आपको प्रूफ करना होगा। अगर मैं ए डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी कर देता हूँ, तो आपको पता है कि अगर आपके क्वाड्रिलेटरल में जो है, जैसे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और उसमें अगर बहुत पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है अगर पैरेलल एंड इक्वल है, तो हम उसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने प्रूफ में क्या करेंगे, हमने ड्रॉ तो कर ही दिया था ऐसी, अब यहाँ दो ट्राइंगल बन जाते हैं, दो ट्राइंगल बन गए। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो इक्वल होंगे। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या इक्वल कर सकते हैं, देखिए सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, अब यहाँ पे देखिए ये साइड जो होगी इसके इक्वल गिवन है, ए सी इक्वल्स टू ए सी कॉमन साइड हो गई। साथ ही आपको दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। आप जानते हैं ये अगर ए बी साइड है, ये पैरेलल है किसके, सी डी के। मीन्स ये अगर ए बी साइड है, एक मिनट देखिए, ये अगर ए बी साइड है और ये आपकी सी डी साइड है, और ये बहुत अगर ये दोनों पैरेलल हैं आपकी, बोला है उसने, तो ये अगर आपकी ये जो बी सी होगी, सॉरी ये जो ए सी होगी, ये जो ए सी होगी आपकी,
ये क्या होगी आपकी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, और यहाँ पर क्या होगा ये जो एंगल बनते हैं ये एंगल किसके इक्वल होता है इस वाले एंगल की, आप जानते हैं अल्टरनेट एंगल, ये तभी होता है जब ये दोनों साइड्स क्या होंगी आपस में, ये दोनों साइड्स के पैरेलल होंगी, और पैरेलल उसने दिया ये कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा आपका अल्टरनेट एंगल। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी बोल देते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी क्या गिवन है, ऐसा हो गया। अब ए क्या लगाएं एंगल हमने कि ये वाला एंगल, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, तो पहले ही वाला ट्रायंगल ले रखा है, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, डी सी ए, और यहाँ पर हम कहेंगे इसको इसका रीज़न जो देना पड़ेगा, कारण जो होगा वो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। उसके बाद क्या होगा ए सी इक्वल्स टू ए सी, ए सी इक्वल्स टू ए सी, ब्रैकेट में कारण जो है रीजन देना पड़ेगा कॉमन साइड। फिर उसके बाद हम कह सकते हैं देयर फोर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए, ब्रैकेट में बाय साइड एंगल साइड मीन्स एस ए एस कॉन्ग्रुएंट रूल। इसके द्वारा हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आपको पता लग गया जब ये जो है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे सीपी सीडी से इक्वल हो जाएंगे, तो मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा उसको इसके वाले पार्ट के इक्वल कर देंगे। देयर फोर ए डी इक्वल्स टू, पहले हमने ये वाला ले रखा, सॉरी ए डी वाला इसमें आएगा, इसमें बी सी आएगा, मीन्स बी सी इक्वल्स टू ए डी, जो ट्राइंगल आपने पहले रखा उसी का पार्ट पहले लिखेंगे, ए बी सी में बी सी आएगा, बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया ए डी के। साथ ही हम क्या करेंगे, आप देखिए हम इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल कर देंगे, ये क्यों करेंगे अभी बताते हैं हम। पहले कर दीजिए एंगल बी सी ए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना सी फ्रॉम जो है बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी एंड ये एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, डी ए सी और ये भी बाय सी पी सी टी, तो बाय सी पी सी टी से हमने ये दोनों बराबर कर दिए। अब आप जानते हैं क्या कि जब ये वाले एंगल आपस में बराबर हो गए, अब आप इसको एक बार अलग से एक बार डायग्राम इसमें देख लीजिए फिगर में, ये देखिए ये दो साइड हैं आपकी, एक साइड ये है और एक साइड ये है, इसको एक साइड ये जो है डायगोनल कट कर रहा है ए सी, मीन्स हमने इसको ऐसे कट करा दिया ऐसे, तो ये ए और ये सी और यहाँ पे B हो जाएगा क्योंकि BC साइड है और ये आपकी AD साइड है। तो अब आप ये देखिए, तो अब इसके जो थ्रू हमारा एंगल जो बन रहा है वो ये एंगल किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के इक्वल बन रहा है। अच्छा ये कब होता है आपका, ये जो होता है ये तभी तो इक्वल होता है आपका, ये वाला एंगल कब इक्वल होता है जब ये दोनों साइड्स क्या होती है पैरेलल, जैसे हमने इसमें बताया था कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, इसलिए हमने कर दिया था ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो अल्टरनेट एंगल आपको पता है कि ये दोनों साइड जब पैरेलल हैं ए डी पैरेलल बी सी होगी, तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट करती है ए सी तो ये जो एंगल बनता है वो इस वाले एंगल के क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या है ये एंगल इक्वल आ गया है, यहाँ पे ये एंगल इक्वल आ गया लेकिन हमें नहीं पता था कि ए डी बी सी के पैरेलल है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि ए डी जो है पैरेलल होगी बी सी के, क्योंकि यहाँ पे देखिए बिकॉज एंगल बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो बिकॉज एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए सी आर अल्टरनेट एंगल, एंगल आर अल्टरनेट एंगल एंड एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, देयर फोर ए डी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी। अब यहाँ देखिए ए डी इक्वल्स टू बी सी यहाँ पे आ गया था, इसको इक्वेशन वन कह दीजिए और इसको इक्वेशन टू कह दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू आपको पता लग गया, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू क्या पता लगता है यहाँ से वन एंड टू से कि जो ए डी है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड ए डी पैरेलल बी सी,
क्लियर है इतनी बात? AD इक्वल्स टू BC एंड AD पैरेलल BC, तो आप कह सकते हो बिकॉज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एल एंड पैरेलल, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, हैंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था आपको, क्योंकि वन पेयर जो है अपोजिट साइड का ये पैरेलल और इक्वल दे दिया था, अदर पेयर को हमें इक्वल करना था और पैरेलल भी करना था, वो हमने कर दिया है। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इससे कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।